प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मस्त? सब लोग अच्छे हैं? वेरी गुड। और व्यायाम करते हो आप सब? अच्छे से व्यायाम करते हो ना? और क्या बताया आपको? हेल्दी खाना। क्या बताया? हेल्दी खाना और व्यायाम। ठीक है, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब बहुत अच्छे बच्चों, मिस की बात हमेशा सुनते हो। ठीक है, अच्छे से खाना और व्यायाम। ठीक है, अभी आपको क्या करना है बच्चों? पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपकी हिंदी की किताब, आपकी हिंदी की किताब का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम। हिंदी मेरा पहला कदम। आपको किताब निकालना है और इसके बाद पृष्ठ नंबर 18 और 19, 18 और 19। ठीक है बच्चों, आप दोनों पृष्ठ निकालेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। जो अब हम शुरू करें, ठीक है। देखिए, पृष्ठ नंबर हमारा 18 मतलब 18। क्या है? 18। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हमारे व्यंजन, पढ़ेंगे बच्चों। चलिए आप भी हमारे साथ पढ़िएगा। यो रो लो वो, यो रो लो वो। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है सही अक्षर लिखो वो रंग भरो। सही अक्षर लिखो वो रंग भरो। तो क्या करना है बच्चों? हमको यहाँ पे सही अक्षर लिखना है और फिर इन चित्रों में हमें रंग भरना है। ठीक है, ये हमारे चित्र, इनमें हमें रंग भरना है। तो पहले हम चित्रों के बारे में जानेंगे और हमारे व्यंजन के बारे में। ठीक है, चलिए पहला व्यंजन हमारा क्या है? यो। यो से क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज हो, वस्तु हो, हम उसको दिखाते हैं ना, ये रखी है। तो ये चीज रखी है ना, कौन सी चीज है? ये बर्तन रखा है, तो इसको हम दिखा रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा व्यंजन रो। रो से क्या होता है? देखिए इधर, रो से रथ। रथ जानते हैं ना बच्चों, राजा महाराजा लोग रथ लेते थे, है ना, रथ में जाते थे दूर दूर तक, क्योंकि पहले ये कार बस ये सब नहीं चलते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा व्यंजन है व्यंजन लो। व्यंजन लो, तो लो से लड़का और ल से लट्टू। लो से लड़का, लो से लट्टू। इसके बाद हमारा व्यंजन वो से वट। पेड़ को हिंदी में वट बोलते हैं। वो से वट। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे हमारे व्यंजन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यो से ये। आपको इसमें ऊपर से एक बार ट्रेस करना है। ठीक है, ऐसे हमें ट्रेस करना है यो से ये। इसके बाद लो से लड़का, लो से लट्टू, लो से लड़का। इसके बाद वो से वट, वो से वट। इधर लिखना है व्यंजन वो। र से रथ, तो इधर लिखना है र से रथ। ठीक है बच्चों, अभी हम इन चित्रों में रंग भरेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम रंग भरना शुरू करेंगे। पहले हम व्यंजन यो में रंग भरेंगे। तो ये बच्चों हाथ है ना, हाथ हमारा कौन से रंग का होता है? स्किन कलर, मतलब त्वचा का रंग। तो हम इसमें त्वचा का रंग भरेंगे। ठीक है बच्चों, आप भी धीरे धीरे भरना, क्योंकि हमारा रंग फैलना नहीं चाहिए, बाहर की तरह बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए।
ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हमें पूरा रंग भर देना है, ठीक है। ये त्वचा कलर ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है बच्चों, लेकिन आपको त्वचा का रंग भरना है, ठीक है ना बच्चों। आप अच्छे से भरना, क्योंकि हमारा रंग बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं फैले। और हम चूड़ियाँ पहने ना, इसमें लाल रंग भरेंगे। फिर संतरा रंग भरेंगे। ये देखो चूड़ियाँ अच्छी लगने लगी ना बच्चों, ये देखिए। इसके बाद हमें ये बर्तन में रंग भरना है, ठीक है। तो हम पीला रंग भरते हैं, पॉट है पॉट, ठीक है, इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पीला रंग, है ना बच्चों। आप भी अच्छे से भरो, ऐसे ही सुंदर सुंदर आपको बनाना है, ठीक है ना बच्चों। और धीरे धीरे भरना है, क्योंकि हमारा रंग फैलना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जब हम धीरे धीरे हमको ऐसे भरना है, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे भर देंगे तो हमारा रंग बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। इसके बाद हम लड़का में रंग भरेंगे। तो लड़का में हमको त्वचा का रंग भरना है पहले, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे त्वचा का रंग भर देना। इसके बाद हम काला रंग बालों में भर देंगे। ऐसे काला रंग बालों में भर देंगे। इसके बाद टी शर्ट में रंग भरना है ना बच्चों। तो हम टी शर्ट में नीला रंग भरेंगे। ये देखिए हमारा। इसके बाद हमें लट्टू में पीला रंग भरना, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी मत करना, धीरे धीरे भर देना। इसके बाद डोरी में संतरा रंग मतलब ऑरेंज रंग भरना, ठीक है। ये देखिए आराम से। इसके बाद हमें वट में भरना। तो वट हमारा कौन से रंग का होता है बच्चों? ग्रीन मतलब हरा रंग। तो हम हरा रंग भरेंगे, ठीक है। आपको आराम आराम से भरना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रंग बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं फैले, ठीक है। ये देखिए जैसे डिजाइन बनी है वैसे ही हमको भर देना हरा रंग, ठीक है ना। आप भी धीरे धीरे ही भरना, ठीक है बच्चों, नहीं तो रंग फैल जाएगा, ठीक है। ऐसे आराम से सारे वट में हमको हर। तो बच्चों हम धीरे धीरे हरा रंग भरेंगे, ठीक है। आप भी धीरे धीरे ही भरना, नहीं तो फिर फैल जाएगा, तो फिर हमारा सुंदर नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए आप भी आराम से करना, ठीक है ना। धीरे धीरे ऐसे आराम से आपको भर देना हरा रंग होने के बाद। इसके बाद बच्चों पेड़ होता है ना, उसकी जो ये
जड़ होती है, जड़ है, फिर इसके ऊपर तना है, तो यहाँ पे भूरे रंग का होता है, तो हम यहाँ भूरा रंग भरेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमको भूरा रंग भरना, ठीक है। ये देखिए, आप भी भूरा रंग भरेंगे आराम से, क्योंकि रंग बिल्कुल भी बाहर की तरफ ना फैले, ठीक है। आराम से आपको करना है। उसके बाद नीचे जो घास है वो भी हरे रंग की होती है ना बच्चों, तो आपको हरा रंग आराम से भर देना, ऐसे धीरे धीरे हरा रंग भरना, अब भी धीरे धीरे ही भरना, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारी घास में रंग भर गया, अभी हम रथ में रंग भरेंगे, ठीक है बच्चों। रथ का ये हम संतरा रंग से भरेंगे, आप भी भरना संतरा रंग से। ये देखिए ऐसे संतरा रंग आपको भर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पीला रंग भरें, ऐसे आप कोई भी रंग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपको रंग दिखा रहे हैं वही भरना है, आप कोई भी रंग भर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, और आराम से भरना, ठीक है बच्चों। कोई भी रंग भरना और आराम से भरना। इसके बाद हमारे पहियों को हम भूरे रंग में भरेंगे, ठीक है। ऐसे आराम से भूरा रंग भर देना, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हमें घोड़ा में रंग भरना है, तो घोड़ा बहुत सारे रंगों का होता है ना बच्चों। हमारे घोड़े में हम भूरा रंग भरेंगे, ठीक है। सफ़ेद भी होता है, सफ़ेद भी घोड़ा होता है, काला भी होता है ना बच्चों। हमारा घोड़ा भूरे रंग का है, आपको जो भी रंग अच्छा लगे आप घोड़े में भर देना, ठीक है। इसके बाद हमें ये पूंछ में काला रंग भरना है, ठीक है बच्चों। आप भी आराम से भरो, क्योंकि रंग फैलना नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा रंग भर गया। अब हम प्रश्न नंबर 19 मतलब 19 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे। श श स स ह, श ख श ह, इसको हम खटकोण भी बोलते हैं और शा भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम पढ़ेंगे। सही अक्षर लिखो व रंग भरो, हमको इनमें सही अक्षर लिखना है और रंग भरना है, ठीक है बच्चों। चलिए पहले कौन सा चित्र है, पहले ये व्यंजन श, ठीक है। चित्र हम बाद में देखें। श से शंख और शलगम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे श, ठीक है।
ऐसे हमको शो लिखना है। इसके बाद हमारा व्यंजन है खो, तो यहाँ पे खटकोन लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद हमारा व्यंजन श, तो श से सब्जी, है ना बच्चों। तो इधर लिखेंगे हम व्यंजन श। इसके बाद है व्यंजन ह, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन ह। ह से हंस, ह से हथौड़ा, यहाँ पे हम ऐसे, ह से हंस, ह से हथौड़ा, ठीक है बच्चों। अब हम रंग भरेंगे, ठीक है। हमारा खटकोण जो होता है इसको छह भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दो रंग भरेंगे हम, तो पहले हम भरते हैं, ये भरेंगे लाल रंग, ठीक है बच्चों। आप भी आराम से भरना, जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारा रंग बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आपको आराम से भरना, ऐसे, आराम से आपको भर देना। इसके बाद हमको पीला रंग भरना, ठीक है ना। ये देखिए, आप कोई भी दो कलर भर सकते हैं, मतलब दो रंग आपको जो भी पसंद हो आप भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये हमारे दो रंगों से हमारा षटभुज तैयार। अब हम सब्जियों में रंग भरेंगे, ठीक है। ये हम हरा रंग भर रहे हैं, ठीक है ना। अभी सब्जियों में हम रंग भरेंगे, वो भी आराम से आपको भरना है, ठीक है बच्चों, जल्दी नहीं है। इसके बाद हम ये लौकी में रंग भरेंगे, ये हल्का हरा होता है, ठीक है बच्चों, आराम से आपको भरना है। ऐसे, ये देखिए, इसके बाद इसमें पीला रंग, ये देखिए आराम से भर रहा हमने। इसके बाद हमें फली में हरा रंग भरना, ठीक है। ये देखिए, अभी टमाटर में हम लाल रंग भरेंगे, ये देखिए, अभी हम टमाटर में लाल रंग भरने के बाद हमको गाजर में रंग भरना, ठीक है बच्चों। गाजर में हम रंग भरेंगे, ठीक है बच्चों। ये देख, यहाँ भी अभी हम गोभी में हरा रंग भरेंगे,
इसके बाद बैंगन में बैंगनी रंग, ठीक है। ये देखिए हमारा सब्जी तैयार। इसके बाद बच्चों शंख हमारा सफ़ेद रंग का होता है और सलगम भी सफ़ेद रंग की होती, लेकिन यहाँ हरा रंग भरते हैं ऐसे, क्योंकि सलगम की ये डाली होती है ना, ये हरे रंग की होती है, ठीक है बच्चों। और हमारा शंख सफ़ेद रंग का, ठीक है, और सलगम भी सफ़ेद रंग, और हमारा शंख सफ़ेद रंग का। इसके बाद हमको हथौड़ा में रंग भरना। तो बच्चों हथौड़ा काला होता है ना, क्योंकि लोहा काला ही होता है ना बच्चों, तो हम काला रंग भरेंगे। ऐसे आराम से हमको काला रंग भर दें। इसके बाद होते हंस। तो हंस हमारा सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन बच्चों ये चोंच है ना, ये ऑरेंज होती है और ये भी ऐसे, हमको धीरे धीरे भरना, ठीक है। ये देख, इसके बाद हमें पानी में ऐसे हंस, ये देखिए, ठीक है बच्चों। अभी आपको ये दोनों प्रश्न घर में करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।